हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साजिद, टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड आई वार्मली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। तो दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सीजीएल के प्री में 5/8/2017 को मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। द टू मैन वर क्वारलिंग विथ वन अनादर क्लेमिंग द सेम एज देयर ऑन। देखिए, दो व्यक्तियों के लिए हमेशा ईच अदर का यूज किया जाता है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो ही व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, द टू मैन। तो दो व्यक्तियों के लिए हमें ईच अदर का यूज करना होगा, तो हमें वन अनदर की जगह लिखना होगा ईच अदर। द टू मैन वर क्वारलिंग विथ ईच अदर क्लेमिंग द सेम एज देयर ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. देखिए, यहाँ superlative degree का use किया गया है most, और superlative degree के साथ कभी भी other का use नहीं किया जाता। other का use किया जाता है comparative degree के साथ। तो हमें यहाँ से other को हटाना होगा। तो sentence होगा, Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all the countries of the world. Next question. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Question number third. The higher you climb, the more difficult it becomes to breathe. देखिए, ये जब ऐसा structure आता है, the higher you climb, तो यहाँ verb की first form का use हुआ है। Verb की first form का use हुआ है, simple past tense का use हुआ है। तो the higher you climb, the more difficult it becomes, तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो हमें लिखना होगा becomes। क्वेश्चन नंबर फोर। नेहा हैज बीन क्राइंग दिस मॉर्निंग। नेहा सुबह से रो रही है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा या तो फॉर का यूज किया जाता है या फिर सिंस का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज नहीं बल्कि सिंस का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस मस्ट बी नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फाइव। ऑपुलेंट। देखिए, ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, अमीर व्यक्ति, ठीक है, ऑपुलेंट। तो इसका ऑप्शन ए फेक, फेक का मतलब होता है नकली, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। हमें इसका सिनोनिम पता करना है, पर्यायवाची। ऑप्शन बी में दिया है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है दुखी, तो ऑप्शन बी भी इसका गलत आंसर। ऑप्शन सी दिया है रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, धनी, तो इसका आंसर सही होगा रिच, क्योंकि ऑपुलेंट का मतलब रिच ही होता है। ऑपुलेंट मतलब धनी, रिच का मतलब भी धनी। ऑप्शन डी में दिया है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति को सेल्फिश कहा जाता है, जो मतलब ही होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। मोरोज। मोरोज का मतलब होता है चिड़चिड़ा। पहला ऑप्शन है फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी में दिया है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है दुखी, चिड़चिड़ा, नाराज, उदास, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूमी। ऑप्शन सी में दिया है फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लगाव में रहता हो, मिलनसार हो, मिलनसार को हम फ्रेंडली कहते हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी सेवी, सेवी का मतलब होता है जानकार, जिसको जानकारी होती है उसको सेवी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी भी इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, नाराज, चिड़चिड़ा, ठीक है। Find the antonyms from the four alternatives given below. Question number seven. Irk. Irk का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। Irk का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, सताना, परेशान करना। Option A में दिया है attract, तो attract इसका गलत आंसर होगा। Attract तो से बिल्कुल भी, इसका बिल्कुल भी उल्टा नहीं है attract, ठीक है। Attract का मतलब होता है आकर्षित करना। ऑप्शन बी डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना, हतोत्साहित होना, ऑप्शन बी इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी इरिटेट, इसका मतलब होता है परेशान करना।
सताना, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इसका ये एंटोनिम नहीं है, तो इसका आंसर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, तो इर्क का उल्टा होगा प्लीज, क्योंकि इर्क का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, प्लीज का मतलब होता है खुश करना। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोटेस्की। ग्रोटेस्की का मतलब होता है विचित्र, ग्रोटेस्की का मतलब होता है विचित्र। ऑप्शन ए फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, तो ऑप्शन ए गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी में लिखा है ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, तो ऑप्शन बी भी इसका गलत आंसर। ऑप्शन डी क्वेर, क्वेर का मतलब वही होता है जो ग्रोटेस्की का मतलब होता है विचित्र, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन हमें इसका उल्टा ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, तो ग्रोटेस्की का जो सिनोनिम होगा वो क्वेर ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर होगा प्लेन, क्योंकि प्लेन का मतलब होता है साधारण, कोई चीज साधारण चीज को कहते हैं प्लेन, तो इसका सही आंसर है प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डूअर, इसका मतलब होता है इतना धन होना, इतना पैसा होना कि भूखा ना मरना पड़े, काम चल जाए, गुजारा चल जाए, इतना पैसा होना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवॉइड स्टार्वेशन। अवॉइड स्टार्वेशन का मतलब यह है कि भुखमरी से बचना, भूख से बचना, क्योंकि टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डूअर इसका मतलब होता है कि इतने पैसे होना कि गुजारा किया जा सके, ज्यादा पैसे नहीं, उतने पैसे होना कि गुजारा किया जा सके किसी चीज का, भूखा ना मरना पड़े, तो इसका सही आंसर होगा अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी, भूख से बचना। क्वेश्चन नंबर 10, टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है शुरुआती समस्याएं, शुरुआत में जो कठिनाइयां पड़ती हैं उनको कहा जाता है टीथिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कोई व्यक्ति जब कोई इंस्टीट्यूट खोलता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग करता है, तब उसको बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ती हैं, तो उन कठिनाइयों को टीथिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। जब कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तब जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टीथिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड, वो कॉफी पीना पसंद नहीं करती थी और ना ही मैं पसंद करता था। जब हमें ऐसा कहना हो कि वो कॉफी पीना पसंद नहीं करती थी, ना ही मैं पसंद करता था, तो ना ही मैं पसंद करता था इस बात को कहने के लिए हमें नॉर के बाद वर्ब रखना होती है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखना होता है, तो इसका सही आंसर होगा नॉर डिड आई। नॉर डिड आई का मतलब होता है ना ही मैं, ना ही मैं का मतलब जो काम पहले हो चुका है वही काम मेरे द्वारा भी होगा, तो कॉफी वो पीना पसंद नहीं करती थी तो मैं भी पीना पसंद नहीं करता था। 12th, द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। देखिए, वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बाद में रखा जाता है, हमेशा नाउन के बाद में रखा जाता है और उसके बाद कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसका सही स्ट्रक्चर होगा द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग इन आगरा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बाद लिखा जाता है, किसी नाउन के बाद यूज किया जाता है, उसके बाद अगर कोई वर्ब का यूज होता है तो वो आईएनजी फॉर्म का ही यूज होगा, आईएनजी फॉर्म वर्ब का ही यूज किया जाता है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है इम्प्रेग्नेबल, इमोलेशन, इनकॉरिजिबल, इनएलिजिबल। देखिए, ऑप्शन ए इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्रेग्नेबल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी में लिखा है इमोलेशन, तो इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान, तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। ऑप्शन डी में लिखा है इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, इनएलिजिबल का मतलब होता है
अयोग्य। तो इसका सही आंसर होगा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जिसको ब्लेम किया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलती के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसको बलि का बकरा कहा जाता है। देखिए, बर्सर का मतलब होता है खजांची, कैप्टर का मतलब होता है बंदी बनाने वाला, फ्लैगमेटिव का मतलब होता है सुस्त। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको ऐसा व्यक्ति कहा जाए जो किसी दूसरों की गलतियों का उस पर ब्लेम लगाया जाए। ऑप्शन डी बचा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। स्कैपगॉट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगाया जाए किसी दूसरे की गलतियों की, तो उसको स्कैपगॉट कहा जाता है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्क, हमें इनमें से ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए, ऑप्शन ए कंसीव, CONCEIVE, कंसीव की स्पेलिंग सही है। कंसीव का मतलब होता है विचार पैदा करना या गर्भ धारण करना। ऑप्शन बी लीजर, LEISURE, लीजर का मतलब होता है फुर्सत। ऑप्शन डी रीन का मतलब होता है शासन, REIGN, रीन का मतलब होता है शासन। ऑप्शन सी में लिखा है नीस का मतलब होता है भतीजा, तो इसकी स्पेलिंग होती है NIECE, नीस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर डी, डिक्शनरी इररिलेवेंट पेरिशेबल टेंजिबल, डिक्शनरी की स्पेलिंग DICTIONER, भाई डिक्शनरी की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन बी IRRELEVANT, इररिलेवेंट, इसकी भी स्पेलिंग सही है। देखिए, इररिलेवेंट मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। पेरिशेबल, PERISHABLE, पेरिशेबल का मतलब होता है नश्वर, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन डी टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श योग्य, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। इसका मतलब यह है कि मुझसे ही गलती हो गई, इनमें से कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं मैंने डाल पाया जो स्पेलिंग में गलत हो, ये मुझसे ही गलती है। इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं डाल पाया जिसकी स्पेलिंग गलत हो, तो इस चीज को स्किप कर दीजिएगा। रीअरेंज द सेंटेंसेस इन देयर राइट ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 17, पी इट हैड बीन अम्टीन इयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर। देखिए, इससे तो स्टार्ट नहीं हो सकता। PQRS को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है कि किन्हीं दो सेंटेंसेस को हम देख लें, ऐसे दो सेंटेंसेस जो एक दूसरे के बाद आते हों, ऐसे सेंटेंसेस, मैंडेटरी पेयर जिसका बनता हो। मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है कोई दो लाइनें ऐसी देखना है जो एक दूसरे के बाद आ रही हों। फिर हमें देखना है कि वो दो लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी के बाद क्यू आ रहा हो, फिर हमें ऑप्शन में देखना है कि पी के बाद क्यू कहाँ लिखा हुआ है। अगर कहीं नहीं सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा तो आंसर वही होगा। अगर मान के चलिए दो ऑप्शन में पी के बाद क्यू लिखा है, तो फिर हमें दूसरा भी, अगली लाइन भी हमें मैच करनी होगी कि क्यू के बाद कौन सी लाइन आ सकती है। ठीक है, सबको हमें एक साथ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऐसे फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, हमें टाइम की बहुत कमी होती है, तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। पहले हमें दो लाइनों को मिलाना है कि कौन सी दो लाइन ऐसी हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं, मैंडेटरी पेयर जिसको कहा जाता है। देखिए, पी में लिखा इट हैड बीन अम्टीन इयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर, ये तो पहले नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मतलब है बहुत साले हो चुकी हैं जब से हमने एक दूसरे को देखा है, जब से हमने एक दूसरे को देखा था बहुत साले हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस की, पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ऐसी बात नहीं बोली जा सकती। क्यू, वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ डेरी स्ट्रेच ऑफ
कंट्री साइड। यह ठीक ठाक हो सकता है, पहले आ सकता है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हमें क्लैरिफाई नहीं है कि ये पहले आ सकता है नहीं, क्लैरिफाई तब होगा जब हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे। आगे लिखा है दिस वॉज द हाउस, देखिए यहाँ जो दिस लिखा है ना, ये पहले तो नहीं आ सकता। यहाँ जो दिस लिखा है, ये दिस किसी नाउन के लिए लिखा गया है। अब नाउन कौन सा होगा जो इससे पहले वाले सेंटेंस में आया होगा, तो आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं, पी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती और आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब बचे हैं क्यू और एस। अब देखिए एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। यहां देखिए, यहां हमें एक पेयर मिल गया, यहां जो लिखा है द हाउस ऑफ यूशर, यहां जो द हाउस लिखा है, इस द हाउस की जगह पे आर सेंटेंस में दिस का यूज किया है, दिस वॉज द हाउस। इसका मतलब यह है कि एस के बाद आर का यूज होगा, एस के बाद आर का यूज होगा। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि सेंटेंस में, हमें यह देखना है कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में एस के बाद आर लिखा है। देखिए ऑप्शन ए में एस के बाद आर लिखा है, ठीक है, ऑप्शन बी में एस के बाद क्यू लिखा है, तो ऑप्शन बी तो इसका गलत आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन डी में एस के बाद पी लिखा है, तो ऑप्शन डी भी इसका गलत आंसर होगा। इसका मतलब ये, और इसमें भी क्या लिखा है, एस के बाद पी लिखा है, तो इसका भी ऑप्शन गलत ही होगा। अब हम यहां देखते हैं कि स्टार्टिंग किससे होती है, क्या पी से स्टार्टिंग होगी, इट हैड बीन, देखो पी से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये आंसर गलत है क्योंकि पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहां फिर एक दिक्कत हो जाए कि यहां एस के बाद आर नहीं दिया ऑप्शन सी में, इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी मुझसे गलत टाइप हो गया है, इसको सही करके लिखना होगा क्यू क्यू पी एस आर, ऐसे लिखना होगा क्यू पी एस आर, शायद ये मुझसे ही गलती हो गई है, तो इसको सही करके लिखना क्यू एस आर पी, ऐसे लिखना क्यू एस आर पी, क्योंकि हाँ क्यू एस आर पी इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आर और पी को एक्सचेंज करना होगा क्यू एस आर पी। तो देखिए क्यू से स्टार्टिंग बिल्कुल जायज है, क्यों, क्योंकि यहां सेंटेंस की शुरुआत है, पैराग्राफ की शुरुआत है, आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ हॉर्स बैक, मैं घोड़े की पीठ पर ट्रेवल कर रहा था, मतलब घोड़े को चला रहा था, राइडिंग कर रहा था, थ्रू अ ड्रेयरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब टाउन के बाहर, ठीक है, सिटी से बाहर मैं राइडिंग कर रहा था, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्यू, तो क्यू से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी जब गलत हो गए, तो फिर हमें इतना सोचने का, हमें विचार ही नहीं करना इतने कि क्या ऑप्शन सी हो सकता है कि नहीं, हमें डायरेक्ट आंखें मूंद के ऑप्शन सी पे आंसर लगा देना है। क्यों, क्योंकि तीन ऑप्शन गलत हो चुके, तो चौथा ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन हमें इसको सही करके लिखना होगा, इसका जो अरेंजमेंट है वो मुझसे गलत टाइप हो गया, इसको सही करके लिखना है क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ऑप्शन में स्टार्टिंग में दिया है ऑप्शन ए एस क्यू आर पी, ऑप्शन बी एस आर पी क्यू, ऑप्शन सी क्यू एस पी आर, ऑप्शन डी क्यू पी आर एस। यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि ऑप्शन में या तो एस लिखा है स्टार्टिंग में या क्यू लिखा है, चारों ऑप्शन में एस क्यू एस क्यू, इसका मतलब ये है कि पी से स्टार्टिंग नहीं होनी, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, और आर से स्टार्टिंग नहीं होनी, ठीक है, इसका मतलब है कि पी और आर स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। तो फिर हमें अब डिसाइड करना होगा कि क्यू स्टार्टिंग में आएगा या फिर एस स्टार्टिंग में आएगा। अब हम इसको पढ़ के डिसाइड करेंगे। एस में लिखा है द टर्म लपंका कैरीड अ सार्डोनिक कॉन्नोटेशन फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रंस गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग, ठीक है, और क्यू को पढ़ के देखते हैं। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप, देखिए टू राउंड अप का मतलब होता है टू फाइंड एंड अरेस्ट, किसी को ढूंढकर अरेस्ट करना,
to round up random civilians on the streets of Polish cities. तो देखिए शायद मेरे ख्याल से क्यू से ही इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्यू से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि क्यू और एस को पढ़ने से कुछ उसके नेचर में एक जैसा लगता है, जो क्यू में जो बात कही गई है उससे संबंधित बात एस में कही गई है. देखिए यहां जो जर्मन प्रैक्टिस की बात हुई है पोलैंड में, ऑक्यूपाइड पोलैंड में, तो वॉश टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस मतलब ये है कि जो सिविलियंस जो वहां के हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको ढूंढकर पकड़ने की बात है, अरेस्ट करने की बात हुई है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिश सिटीज, जो पोलिश सिटीज हैं उन सिटीज में से, उन सिटीज की स्ट्रीट में से, गलियों में से. अब आगे लिखा है द टर्म लपंका कैरीड अ सार्डोनिक कॉन्नोटेशन फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रंस गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग. ये जो टर्म लपंका है ना, इसी के बारे में क्यू में लिखा गया है. क्यू में लपंका के बारे में ही लिखा गया है. इसका मतलब यह है कि क्यू और एस एक मैंडेटरी पेयर हैं. अब देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं क्यू से कौन कौन से स्टार्ट हैं. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. अब हमें देखना है कि क्यू के बाद एस किस में है, तो क्यू के बाद एस ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका सही आंसर होगा क्यू एस पी आर. देखिए इस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए दो मैंडेटरी पेयर ढूंढना होते हैं. दो मैंडेटरी पेयर यानी कि ऐसे पेयर जो दो सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जो एक के बाद एक आए. फिर हमें देखना होता है कि ये किस ऑप्शन में दिए हैं, तो जिस ऑप्शन में भी दिए हो वो सही आंसर होगा. चेंज द वॉइस. एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट. ये एक पैसिव मीनिंग, ये एक पैसिव सेंटेंस लिखा है, इसको हमें एक्टिव में करना है, इसका वॉइस चेंज करना है, पैसिव का एक्टिव में करना है. तो देखिए कैसे बनेगा. यहां लिखा है एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट. देखिए यहां जो ऑब्जेक्ट बाय एन आंट लिखा है, तो एन आंट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. इवन एन आंट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. तो यहां एन आंट कैन, तो कैन तो वैसे भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इधर मॉडल मे का यूज किया गया है, तो मे का ही यूज किया जाएगा, कैन का यूज नहीं किया जाएगा. तो ऑप्शन ए गलत आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी में ओ टू का यूज किया गया है, तो ऑप्शन डी भी गलत आंसर है. देखिए इसी तरह से हम ऑप्शन कम करना है, जब सारे ऑप्शन कम हो जाएंगे एक बचेगा वही उसका आंसर होगा. ठीक है, अब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और सी में मे का यूज किया गया है दोनों जगह. अब हमें ये देखना है कि इनमें से सही कौन सा होगा. यहां लिखा है एन आंट मे इवन हेल्प एन एलिफेंट. अब यहां से हमें देखे इवन से पता लग गया कि यहां जो इवन जो लिखा है वो आंट के लिए लिखा है, ना कि हेल्प के लिए. जैसे यहां जो लिखा है इवन बाय एन आंट, ठीक है, इवन का मतलब भी है यहां ऑल्सो. तो यहां जो इवन की जो प्लेस होनी चाहिए वो एन आंट से पहले होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन इवन आंट मे हेल्प एन एलिफेंट. कहने का मतलब यह है कि एक चींटी भी हाथी की मदद कर सकती है. तो यहां इवन का मतलब है ऑल्सो, जो कि आंट के लिए यूज किया गया है इवन का. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी. चेंज द स्पीच. हमें इसकी स्पीच को चेंज करना होगा. ये नरेशन का क्वेश्चन है. प्लीज डोंट क्राय ही सेड. तो प्लीज डोंट क्राय एक इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. तो इंपरेटिव सेंटेंस में सेड और टोल्ड का यूज नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि इसमें सेड और टोल्ड का यूज किया गया है इसलिए ये गलत है. बचे क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि यहां सजेशन का भाव क्रिएट किया गया है शुड लगाकर, इसलिए ये ऑप्शन ए भी गलत है. बचा क्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसने निवेदन किया है कि कृपया आप रोए नहीं, तो यहां निवेदन का भाव है, तो यहां हमें लिखना होगा ही बेग्ड मी, उसने मुझसे विनती करी नॉट टू क्राय, ना रोने के लिए विनती करी कि आप प्लीज रोइएगा नहीं. तो हमें ऑप्शन बी को सही मानना होगा.
तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे उन क्वेश्चंस की जो CGL में पूछे जा चुके हैं।